तो दोस्तों, जिस तरीके से आपने रिस्पांस दिया मेरी स्कूल टाइम्स के ये नई सीरीज़ जो है स्कूल टाइम्स के पहले एपिसोड को, ये बहुत ही अच्छा था। काफ़ी लोगों ने कमेंट किया, काफ़ी लाइक्स आए, काफ़ी लोगों ने मेरे इस नई सीरीज़ को, इस नए एपिसोड को पसंद किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और दोस्तों, प्रॉब्लम ये थी कि काफ़ी लोग जब मुझको कमेंट कर रहे थे तो मेरी एक YouTube में, क्या पता मेरे YouTube में ऐसा ग्लिच है या फिर और सबको भी ऐसी प्रॉब्लम है कि मैं जब कोई नोटिफिकेशन आता है उस पर क्लिक करता हूँ, जब चेक करता हूँ तो फिर मुझको आपके कमेंट्स दिखते ही नहीं है। मुझको मैन्युअली कमेंट्स में जाना पड़ता है चैनल के अंदर और तब जाके मुझको कमेंट्स दिखते हैं, ऐसे डायरेक्टली मैं नहीं चेक कर सकता जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी तरीके से ये ग्लिच है। तो दोस्तों, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना अगर मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाऊँ टाइम पर, और ऐसा कोई ईगो या एटीट्यूड नहीं है, बस यही एक ग्लिच है छोटा सा। और चलिए वीडियो कंटिन्यू। फेंकूंगा तो फटेगा ना ये। वाओ, टीचर के, ये तो टीचर को मार रहे है। ओ, टीचर अब इसको मार रहा है। ये सब हो रहा है, मैं यहाँ पे गिटार बजाऊंगा कुछ भी। ओ, इसने तो मुझे मार ही दिया। ऐसे नहीं मारना चाहिए यार स्टूडेंट्स को। क्या है भाई, ये पॉपुलैरिटी खराब हो जाएगी यार अगर यहीं कर दिया तो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सभी का दोस्त और इस चैनल का होस्ट विश्वास शर्मा, और आप देख रहे हैं द 38 डूड। और दोस्तों, ये है दूसरा एपिसोड स्कूल डेज का। स्कूल टाइम बोलने वाले थे हम इसको, नहीं पता आपको स्कूल टाइम्स एक स्नैक आता है, एक स्नैक्स होते हैं स्कूल टाइम्स, तो वो काफ़ी सस्ते मिलते हैं और काफ़ी अच्छे लगते हैं, मुझे अच्छे लगते हैं वैसे, लेकिन ठीक है भाई। तो स्कूल डेज, और हम खेल रहे हैं दूसरा एपिसोड, और इस एपिसोड में हम देखते हैं क्या होता है। हम काफ़ी नए स्टूडेंट हैं और हमारा अभी एडमिशन हुआ, हमारा नाम ग्रांट सीना शायद। और जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि हम नए स्टूडेंट हैं, हमारा सबका इंट्रोडक्शन हुआ था और एक स्टूडेंट ने हमको लाइक किया था, दूसरे स्टूडेंट ने हमको डिसलाइक किया था, और उसने हमारी ड्रेस का मजाक उड़ाया था कि जिस तरीके से हम आँख बंद करके और अंधेरे में कपड़े पहन के आए हों, ये बोलकर वो ये बताना चाह रहा था कि हमने अच्छा नहीं पहना है ड्रेस अपना। कोई बात नहीं, माफ़ कर देंगे हम उसको। और हमने एक हिस्ट्री की क्लास मिस कर दी थी, उसके चक्कर में बहुत ताने पड़े थे हमको, बहुत ताने मारे थे लोगों ने हमको, और काफ़ी परेशानी हो गई थी, और काफ़ी लोगों ने हमको टोका था। और हम एक नई इन्फॉर्मेशन में मिली थी कि हम जो प्रोप्स होते हैं, मतलब जो चीज़ें होती हैं, जैसे म्यूज़िक क्लास में हमको कोई सी म्यूज़िक का इंस्ट्रूमेंट लेके जाना है, और किसी दूसरी क्लास में हमको उस क्लास से रिलेटेड कुछ सामान लेके जाना है और उस सामान को रिपीट नहीं करना, मतलब हर बार एक ही, जैसे कि गिटार है तो हर बार गिटार लेके नहीं जा सकते। ये हमको एक टीचर ने बोला था कि हर बार गिटार लेके नहीं आ सकते तुम, या तो हर बार एक ही चीज़ लेकर नहीं आ सकते, नहीं तो तुमको आज ही समझेंगे। तो देखते हैं दूसरे एपिसोड में क्या होता है। मैं वहाँ पर कैंटीन में था शायद, जो लेटेस्ट एपिसोड था उसमें मैं कैंटीन में था। आवाज़ थोड़ी कम कर देता हूँ, ये दिमाग ख़राब हो जाएगा मेरा भी यार। ऑलराइट, सो वी वर इन द कैंटीन इन द लास्ट एपिसोड एंड वी गोना कंटिन्यू फ्रॉम हियर। सो हमारी बैग में काफ़ी कुछ सामान है, तो देखते हैं क्या होता है। ये उठा लेता हूँ, इसको उठा लेता हूँ मैं, टीचर कुछ बोलेगा तो। ओ, बॉम्ब रखा हुआ है यार यहाँ पे, तो बॉम्ब क्या कर रहा है स्कूल में, बॉम्ब अमेरिकन स्कूल में या फिर दूसरी कंट्रीज जो हैं उसमें, तो समझ में आता है, मजाक कर रहा हूँ। लेकिन इसको फेंकूँगा तो फटेगा ना ये। वाओ, वाह यार, दैट वाज अनएक्सपेक्टेड कुछ। ओ, एक और गिटार है यहाँ पे। कैसे अभी कैफे में क्या कर रहा हूँ यार मैं, कैफे चल रहा है यहाँ पे, दूसरा क्लास लगने वाली है शायद अभी थोड़ी देर में। और ये टीचर है, स्टूडेंट है क्या है, एंड व्हाट शी डूइंग, शी स्लीपिंग ना शी वोक अप। व्हाट यू वांट, हे ग्रांट, व्हाट्स योर प्रॉब्लम, डोंट टच मी अनलेस यू वांट टू फाइट। सो ये बोल रही है कि मुझको टच मत करो अगर तुम्हारा लड़ने का मूड नहीं हो तो। तो मैंने तो उसको टच ही नहीं किया। ओ, मैंने तो उसको हाथ ही नहीं लगाया मैंने ना। ओ, ये तो टीचर के, ये तो टीचर को मार रहे। ओ, टीचर अब इसको मार रहा है। ये सब हो रहा है, मैं यहाँ पे गिटार बजाऊंगा, रख लेता हूँ इसको। मैंने तो उसको कहाँ मारा, क्यों मैंने तो उसको हाथ लगाया क्या। ये ले, बच गया गिटार, मुझको हाथ नहीं लगाना, टच नहीं करना मुझको। ये क्या है, लेबोरेटरी का टाइम हो गया है। यस, लेबोरेटरी का टाइम हो गया, मैं अभी तक यहीं पे बैठा हुआ हूँ।
लेबोरेटरी में जाना मुझको, अभी टॉयलेट में क्या कर रहा हूँ मैं। अपर फ्लो यहीं से होगा ना, फिर लेट नहीं हो जाऊँ यार मैं, मुझको बहुत सुनाने सुनाएंगे लोग नहीं तो। Why? Sixth grade student Grant Sinha has been reported late for science class. तो इसमें सायरन बजाने की क्या बात है यार, कुछ भी। ओ इसने तो मुझे मार ही दिया, ऐसे नहीं मानना चाहिए यार स्टूडेंट्स को। क्या है भाई ये, पॉपुलरिटी सी प्लस, क्यों पूरी क्लास के सामने भेजी थी उसकी पॉपुलरिटी। अब प्रिंसिपल के पास जाना पड़ेगा मुझे इतनी छोटी बात के लिए। मिस कैम, यू वर द मेंबर ऑफ स्टाफ इन चार्ज, सो व्हाट कैन यू टेल मी। Grant seems to be following his own schedule and turns up to lesson whenever I try to get where I'm supposed to be as soon as I can, but there are so many different rooms. All right. After considering, हाँ बहुत सारे रूम थे, प्रॉब्लम हुई थी ऊपर आने में, लेकिन पता नहीं चला लेबोरेटरी की क्लास कब लग गई। Grant Sinha, yes, yes, मैं कंफ्यूज हो गया था। There are teachers are lucky that they can sit in the same room all day. Oh, ये तो hard time जैसा ही dialogue था यार। Now what? Language ही class है अब। अरे यार, staff room? What's going on in staff room? East wing? Language? चलो टीचर नहीं आया। चले आई हर्ड दे फास्टली अक्यूज ऑफ यू। यस वाओ, सो शी इज़ माय फ्रेंड नाउ। लड़का है कि लड़की है ये? कम ऑन इन एंड टेक अ सीट प्लीज, द सूनर यू सेटल डाउन सूनर वी कैन गेट स्टार्ट। ऑल राइट, सो अब हम आराम से बैठ जाएंगे अपनी सीट्स पर। Good afternoon and welcome to the Tuesday's language class. We are going to be starting a new topic today. Patrick Sinha. Patrick Sinha? The big question goes forward is, what is the Spanish? Though I don't care to be honest, but I discuss the answer is C. Yes, yes, yes. Did I hear you say C? If you think that that's the answer, be confident about it. Yes, 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 yes. C hota hai. What is the Spanish word for yes? It's C. तो दोस्तों ये सही है, मुझको थोड़ा थोड़ा पता है, यस नो पता है मुझको स्पेनिश का। और अडियोस एंड 1 2 3 कुछ ऐसा बोलते हैं। लिसन Grant Sinha, आई हैव बीन अराउंड एंड आई हैव टू से दैट आई नो आई एम नॉट एज पॉपुलर एज यू, बट वुड यू कंसिडर गोइंग अ डेट विथ मी। वाओ दोस्तों, ये हमको डेट मिल गई। ऑलराइट, यस हमको चाहिए फ्रेंड्स। It feels so good to know that you love me as much as I love you. Yeah, 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 yeah. All right. तो डेट में जाएंगे हम। वाह यार, यही है क्या? यही है क्या फ्रेंड? वाह, नाइस 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 नाइस। टेबल ही उठा दी लव के चक्कर में उसने तो। इंग्लिश क्लास है क्या नेक्स्ट ट्यूजडे? द आंसर इज ए। वो नो 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 नो, टॉयलेट में जाना है, टॉयलेट में जाना है, टॉयलेट में जाना है। बहुत तेज टॉयलेट है यार, कैसे जाऊंगा मैं? पॉपुलैरिटी खराब हो जाएगी यार अगर यहीं कर दिया तो। नो, जल्दी जा बे, जल्दी कर यहाँ पे। ए Grant Sinha, दैट्स माय सीट, गिव इट अ सीट ऑन यू। नो आई वाज हियर फर्स्ट। वेल इफ यू से सो देन। मुझे चाहिए भी नहीं, ये ब्लैक बैग अच्छा लग रहा है लेकिन मुझे ब्लू ज़्यादा पसंद है। अब क्या करना है, सो जाऊँ क्या मैं यहाँ पे? स्लीप, मुझको घर नहीं जाना आज। इस इन वी बोथ नो दैट शुड हैपन इन प्रिंसिपल ऑफिस। व्हाट शुड हैपन? देयर मे नॉट बी एनी जस्टिस इन देयर, बट Simmons Lever कैन प्रोटेक्ट यू आउट हियर। तो ये टीचर अब हमसे बदला ले रही है। तू क्या बदला लेगी टीचर? नो नो नो, मारेगी मुझे पता है, पक्का मारेगी, इसलिए मैं यहाँ पे आके सो रहा हूँ। इससे ही मैं सलाइवा। वो कौन लड़की थी यार जो दोस्त बनना चाह रही थी, उसका नाम भी याद नहीं मुझको। यहीं सो गया यार रात के टाइम पे, रात के टाइम स्कूल में सो गया ये। टीचर परेशान ना करे यार मुझे तो। अच्छा सुबह, हैप्पी वेंसडे। मैं तो स्कूल में ही था तो बिल्कुल लेट नहीं होऊंगा मैं।
कभी किसी का कॉल ही नहीं आता मुझको। सो इट्स वेडनेसडे एंड कोई भी क्लास नहीं लगी यार अभी तक तो। मॉर्निंग साइंस इन प्रोग्रेस। सो लेबोरेटरी, यस लेबोरेटरी एंड आई एम इन लेबोरेटरी नाउ फाइनली। तो सब लोग बैठ रहे हैं, मैं कहाँ बैठूँ, ये तो सो रहा है अभी, यहाँ बैठ जाता हूँ। Hey, it's my seat. Go sit somewhere else. बैग ही करा दिया है इसने तो गुस्से में। टीचर है क्या, क्या है भाई ये? What is the term for increasing speed? I don't know. Welcome back to the school this morning. Today is Wednesday, first week of October. Nice. The second October is Gandhi Jayanti then. Before you get on with your day, let's access. Grant, you missed a class yesterday and turned up late for one of them. तो क्या करूँ मैं, स्टडी आउट टाइम टेबल क्लोजली एंड ट्राई टू बी गेट वेयर यू नीड टू बी। सो ऑल राइट, समझ गया मैं। आई डी ओवर के कॉल इन टू द प्रिंसिपल ऑफिस, सो ट्राई टू स्टे आउट ऑफ ट्रबल टुडे। पढ़ाना स्टार्ट कर, ज्ञान मत दे मुझे फालतू का। आई सी योर ग्रेड एवरेज स्टक एट सी, सो लेट्स ट्राई। तो बोल भाई, ये ग्रांट सीना भी ऐसा लैंड हुए, कुछ बोलते नहीं है रिप्लाई में। क्या है भाई ये, कि क्लास ऐसी कैसी क्लास चल रही है ये? ये हाय हेलो बोल रहा, पूरी क्लास में घूम रहा है ये। What is the term for increasing speed? Speed? What is the term for increasing speed? Is that science class or is that language class? मतलब हिंदी में होता है ना कि जिसका कोई अंत ना हो, अनंत, वैसे कुछ टाइप का लग रहा है मुझको। What is the term for increasing speed? Accelerate? I don't know. Maybe it should be the answer. History class? All right. So यहाँ पे बैठने की हमको यहाँ पे ठीक है यार, कुछ नहीं होता। ईस्ट वेन, आई डोंट वॉन्ट टू बी लेट। यहाँ पे कुछ टाइम और होना चाहिए कि इतने इतने टाइम में पहुँचो, नहीं तो पता कैसे लगा कि लेट हुए हैं या फिर क्या हुआ आपके साथ। अरे यार, ये कंट्रोलर्स कैसे हैं इसके। एंड आई एम लेट अगेन, नो नो नो, आई डोंट थिंक सो आई एम लेट। ओ सेवन फ्रेंड्स, व्हाट यू जॉइन फोर्सेस साइड बाय साइड, यस लेट्स फॉर्म अ ग्रुप, या लेट्स फॉर्म अ ग्रुप, कूल, एनी फ्रेंड्स of your is a friend of mine, now we are sent in numbers, all right, so in iska dost mera dost mera dost iska dost, lekin dushmani ke bare mein isse kuch bole nahi, aur ye meri table pe aake kya kar raha hai be, kahin aur jaake baith. Who was the first female prime minister of the UK? How do I supposed to know? Don't forget to your lunch money grant. Great, $5. Good morning and welcome to Wednesday. Oh are, ये मेरे दोस्त बैठे हुए हैं यहाँ पे और हम दोनों देखिए साथ टेबल पे बैठे हुए। फर्स्ट फीमेल यूके, इमोगन हॉर्न, डू यू हैव, आई वांट टू से मार्गरेट थैचर, बट दैट वाज टू, मार्गरेट थैचर इज व्हाट दे वांट टू थिंक द रियल आंसर विल, व्हाट वाज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। ये टीचर ही हमको ऐसी ऑफर कर रहा है कि ये फ्रेंड्स बनो और लंच मनी व्हाट नॉट, ये तो सही नहीं है। आई होप यू आर स्टार्टिंग टू गेट क्लियर द पिक्चर नाउ, क्लियर द पिक्चर नाउ। एंड पढ़ने ही नहीं देते यार, इतने जल्दी जल्दी जाते हैं सब टाइटल्स के। इंडियन हूँ भाई मैं, अंग्रेज थोड़ी हूँ, इंग्लिश थोड़ी है मेरी फर्स्ट लैंग्वेज, और टाइम लगता है मुझे पढ़ने। इंग्लिश क्लास है भाई, अब कहाँ पे इंग्लिश क्लास। ईस्ट विंग, ऑल राइट, तो इंग्लिश क्लास हो, कम ऑन ग्रैंड, यू सपोज टू बी इन योर इंग्लिश। ओ ये गंदी हरकतें पहले करना है इनको। वाओ चल भाई, इंग्लिश क्लास में चल। इंग्लिश क्लास में डांट पड़ेगी मुझे शायद। ये है इंग्लिश टीचर, कीप कॉम एंड इंग्लिश क्लास। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू वेंसडे इंग्लिश क्लास, गोइंग टू बी स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक टुडे। हॉन द बिग क्वेश्चन गोइंग फॉरवर्ड इज व्हाट काइंड ऑफ वर्ड इज मेड अप द लेटर्स ऑफ अदर वर्ड्स। इट्स पैलिंड्रोम, इफ मेमोरी सर्व्स। Haha, did I hear somebody say polygome? The intelligent answer is superlative. What are those words? मैंने कभी सुने नहीं ना ट्रेंड। McDonald's,
व्हाट आर दिस मैकडोनल्ड्स कौन सा वर्ड होता है बे? यही है ना वो लड़का लड़की जो भी हमारे दोस्त बनने की कोशिश कर रहा था उसको हाय बोल के आता हूँ मैं। ए सुन रहा है? ओए ये पहचान गया दोस्त। चलो वापस बैठ जाता हूँ। लंच इज नाउ सर्व इन द कैफेटेरिया। ऑल राइट, हमारे दोस्त कहाँ गई? वो उसके साथ ही लंच करूँगा आज मैं। कहाँ पे? कैफे में जाओ। अब मुझे सिंप मत बोलना आप लोग कि कमेंट में सिंप सिंप लिखो। उसने पहले मुझको बोला था कि चलो दोस्त बन जाए, तो फिर मैं बन गया। किसी भी चीज़ के लिए ना थोड़ी करता हूँ। 5 रुपये कट गए मेरे लंच मनी के लिए। मैं तो ऐसे भी उठा खा सकता था, इसमें पैसे मतलब जरूरी नहीं थे कोई। सीट पिच और एड्रेस में सीट। लेकिन कुछ खाना चाहिए, यहाँ पे टेबल पे चॉकलेट पड़ी हुई ना, ये खा लूँगा मैं। ए ग्रांट दैट्स माय टिश्यू, सॉरी। ठीक है ये खाऊंगा मैं, उल्टी ना कर दूंगा मैं इसको खाने के बाद। और दोस्तों तीसरे या चौथे एपिसोड में मैं किसी टीचर को जान से मार डालूंगा, मुझे देखना कि क्या होता है अगर आप किसी टीचर को जान से ही मार देते हैं तो। ओहो मुस्लिम भाई क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ओ उल्टी कर दी यार मैंने, पॉपुलैरिटी सी हो गई मेरी, मुझे पता ही था ऐसा कुछ होने वाला है। पानी पी लूँ यार, डिहाइड्रेशन हो जाएगा नहीं तो मुझको। पानी पियो। अरे पानी पीना है यार मुझको, डिहाइड्रेशन से बचना। अरे यार टेबल क्यों आ रही है मेरे साथ? लेबोरेटरी का टाइम हुआ, पानी पी लेता हूँ। पानी पी ले भैया, पानी पी ले। स्टाफ रूम में जाना है। लेबोरेटरी की क्लास पहले पीरियड पे तो लगी थी, नहीं वो कल कल का दिन था यार, याद आ गया मुझको। ओहो लेबोरेटरी में। अबे ए मारा मारी नहीं, वो पूरी टेबल उठा दी। ये ट्रॉफी लेके बैठा है। गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू वेडनेसडे साइंस क्लास, लेट्स पिक अप ट्रॉफिक विशु। व्हाट इज द टर्म फॉर इंक्रीजिंग स्पीड? एवोल्यूशन। एवोल्यूशन इज द आंसर। यू कुड बी द मोर रॉन्ग लॉ, द करेक्ट आंसर विल बी पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन वॉट इज द राइट लॉ? आई डोंट फकिंग नो। ओके लेट्स गिव समवन एल्स अ चांस। ओके शेयर दैट लोल। लुक क्या भाई टीचर, कल तूने पकड़वा था ना मुझे, ये लो टीचर को मार दिया और ऐसे उड़ गया आराम से शान पत्ती में। दोस्त दोस्त दोस्त, ये दोस्त कौन? दोस्ती हो रही है यार यहाँ पे तो, पूरा मित्र मंडल बन गया। नो यू फकिंग लव इट नॉट अ लव। ज्योग्राफी ज्योग्राफी थिएटर है तो ज्योग्राफी कर रहा है। जियोग्राफी में जाऊंगा मैं। जियोग्राफी ठीक ठाक लगता है मुझको, अच्छा लगता है मतलब जियोग्राफी सब्जेक्ट। हिस्ट्री ऐसा ही है, हिस्ट्री है ना। टीचर नहीं आया क्या अभी तक? टीचर आ गए होंगे क्या? बच्चे थोड़े अडल्ट टाइप में दिख रहे हैं बूढ़े से। गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू द वेडनेसडे जियोग्राफी क्लास, लेट्स बिल्ड ऑन द वर्क विद इन। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ रशिया? मॉस्को। मॉस्को यस यस यस। इफ यू ट्राइंग टू फनी देन द राइट आंसर इज MOSCO मॉस्को, क्योंकि मैंने आप लोगों से पूछा था क्या है राइट आंसर, आपने मॉस्को बोला था और मुझको भी मॉस्को ही पता था कमेंट में। इफ यू गॉट द नथिंग बेटर टू डू आई सजेस्ट रीड अप द रीड अप ऑन दिस टॉपिक द ग्रीन बुक आर अबाउट टू ज्योग्राफी। ऑल राइट वेयर इज द ग्रीन बुक? Here's the green book. मैं पहले लूँगा ग्रीन बुक क्योंकि मैं बनना चाहता हूँ लीडर। अरे यार ऐसे लीडर बनूँगा मैं।
मॉस्को। यस ऑफ कोर्स आंसर इज मॉस्को। दैट ब्रिंग्स यू ज्योग्राफी ग्रेड अप टू सी प्लस। या ऑल राइट थैंक यू। ये दो, इसे पढ़ूंगा मैं, अपना इंटेलिजेंस बढ़ाऊंगा। लिसन ग्रैंट, वी ऑल फील लाइक वी नीड टॉयलेट। क्या व्हेन द हैपेंस यू वुड नीड बाथरूम एज सून एज पॉसिबल। नोबडी केयर्स व्हाट यू डू इन देयर। इफ यू कैन फाइंड इट ऑल टू सिट ऑन यू इट्स ऑल राइट। टॉयलेट ही क्या लड़की बात कर रही है टॉयलेट वगैरह के बारे में। क्या है ये, चैपल में जाना है हमको। यहाँ पे ओम बना है, ओम जय जय श्री राम। गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू वेंसे रिलीजन क्लास। वी आर गोइंग टू बी स्टार्टिंग ऑन दिस टॉपिक टुडे। डिफरेंस इज द टॉपिक। व्हाट इज इस्लाम। इफ वाज फाइटिंग लास्ट टाइम आई चेक बट देन अगेन आई नेवर चेक्ड एनीमोर। Hey, it's not my job to tell you what to think so much as how to think. Kya hona chahiye answer? What is the answer? Ye kya kisi ne kuch kiya kya ye? Jaldi se aao yaar. Oh, ye baja raha tha to ye. Bajana fir dobara. Listen Grant. You are kind of trying to learn how to treat injuries. The first thing you should do is head to hospital where you can at least lie down and get some rest. If you're lucky enough to bump into a doctor, you'll be more likely to get treatment there as well. तो बोल रहा है क्या, अगर तुमको चोट मोट लग जाए तो हॉस्पिटल जाओ। इधर हॉस्पिटल भी है, मुझे घर जाना है यार एक्चुअल में। वो ये है हमारी दोस्त अगेन, हमारे दोस्त सब मिले हैं यहाँ पे। ये क्या कर रही है, मेडिटेशन हो रहा है, क्या हो रहा है। अबे उठ, ए क्या कर रही है बे ये। दैट्स द स्टाइल मेट। ए जेन व्हाट आर यू डूइंग विद ग्रांट। आई आउट किक बोथ ऑफ योर चीटिंग एसेस। क्या बोला बे, मेरे दोस्त के बारे में ऐसा बोलेगा। हट, अरे लड़की ने लड़ाई करवा दी दोस्तों, लड़की ने लड़ाई करवा दी। देखो आप जरा, लड़की का चक्कर डेंजर। कम ऑन सीन, इट्स टाइम फॉर यू टू गो होम। Give the cleaners a chance to tidy up this place. All right, I'm going home then. लगता है वो एक्स बॉयफ्रेंड था उस लड़की का। अबे अपने आप कंट्रोल क्या हो रहा है। तो अब हम जा रहे हैं घर दोस्तों, देखते हैं क्या होता है घर में। घर में मिलेंगे अब हम। ये तो WWE आ गए हम। तो दोस्तों आज का दिन हमारा स्कूल में काफ़ी नॉर्मल था। हमने कुछ दोस्त बनाए, हमारे कुछ टीचरों के साथ बहस भी हुई, और एक बार हमको प्रिंसिपल के ऑफिस में भी जाना पड़ा, जिससे हमारी पॉपुलैरिटी थोड़ी बढ़ गई है। और हम एक गैंग के मेंबर भी हैं शायद, उसके लीडर वगैरह कुछ भी नहीं बने हैं। और वो गैंग हमको एक टीचर, शायद वो रिलीजन का टीचर था या फिर क्या पता कौन सा टीचर था, आप मुझको नीचे कमेंट में बताइए, मैं भूल गया हूँ शायद कि कौन से टीचर ने हमको वो जो मेंबर था ना गैंग का मेंबर बनाया था। और हमारी एक दोस्ती बन गई है अब, और काफ़ी सही चल रही है लाइफ, स्कूल लाइफ काफ़ी सही जा रही है अभी तक तो। लेकिन मेरा मोटिव ये है कि मैं एक ना एक टीचर को जान से मार डालूंगा उस स्कूल में। वो थर्ड एपिसोड या फोर्थ एपिसोड करने का ट्राई करूँगा। अभी मैं अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ा रहा हूँ कि किसी तरीके से मैं बच जाऊँ, अगर ऐसा कुछ बड़ा काम करते हुए मैं पकड़ा जाऊँ या फिर मैं फेल हो जाऊँ किसी को मारने के चक्कर में, तो अपनी रेपुटेशन बढ़ा रहा हूँ अभी मैं। तो आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइस। टिल देन बी ब्लेजिंग डू ब्लेजिंग एंड दैट वाज माय स्लोगन गाइस।